ਲਗਵਾਨੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਦੀ ਲਗਵਾਨੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਬਦਲੋਨੀ ਤੇਰਾ ਲੱਗਣਾ ਵੱਖਾ ਤਾਰਾ हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो माय चैनल। तो भाई लोग ये वाला गेम प्ले मैंने शुरू में थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं किया था, उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया जब मैंने यहाँ पे BRDM मंगाया। और भाई जो BRDM मंगाया वो देखो कहाँ पे जाके उतरा, मतलब भाई आजकल पबजी में जो भाई BRDM चलाता है ना, जो प्लेन का ड्राइवर होता है वो शायद आजकल सलमान भाई है, तो वो कहीं पर भी लैंड करवा देते हैं। मैंने दो बार अभी तक, मतलब एक दिन में दो बार मेरा फ्लेयर चलाई, दोनों बार ऐसी ऐसी जगह BRDM गिरी है ना भाई कि क्या ही बोलूँ। मैंने 200 मीटर दूर जाके घर से मतलब खुले में चलाई, उसके बाद भी वो किसी घर पर जाके गिरी, तो भाई कुछ भी नहीं बोल सकते इस पबजी का, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो BRDM तो भाई मेरी उस पर रह गई थी, तो मैं यहाँ से पैदल पैदल निकल जाता हूँ बिना गाड़ी के वो गाड़ी ढूंढने के लिए। तो सामने की तरफ मुझे यहाँ पे एक बगी मिल जाती है लकीली, और भाई बगी लेके मैं यहाँ से जोन रोटेशन देता हूँ। अब भाई इस वाले गेम प्ले में जो जोन बना था वो ब्रिज के उस साइड बना हुआ था, तो मैंने सोचा जल्दी से अपन यहाँ से बोट उठा लेते हैं और मैं बोट उठा के निकल जाता हूँ, वरना भाई अगर अपन ब्रिज से जाएंगे तो ब्रिज से तो भाई कोई भी बंदा अपने को मार देगा। तो और अर्ली रोटेशन देना ही इस टाइम पे बेस्ट रहता है ऐसे वाले जोन में, क्योंकि भाई आगे की तरफ बंदे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एक बंदा गाड़ी लेके आया, और जैसे ही भाई उसने कार अंदर कूदाई मैं यहाँ से गाड़ी लेके भाई मतलब अपनी बोट लेके निकल जाता हूँ। मेरे को लग रहा था कि वो पीछे से मारेगा, लेकिन वो भी फायर नहीं करता, और मैं भाई इस साइड में इस वाले घर तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था, तो भाई यहाँ पर आकर मैं इधर उधर देखता हूँ बंदों को, और तभी मुझे सामने की तरफ देखो ये बंदा स्पॉट होता है शेक के यहाँ पे। तो ये बंदा यहाँ पे TPP ले रहा था, यहाँ पे एक बंदे को मार भी देता है और उसकी यहाँ पे लूट वगैरह है लूटने चला जाता है। तो मैंने सोचा यार यही मौका है अपन जाके भाई इस बंदे का थर्ड पार्टी मतलब पीछे से इसको मारते हैं जब ये लूटने में बिजी होगा। तो बस देखो मैं कैसे जाके इस बंदे को मारता हूँ। तो भाई इस बंदे को तो यहाँ पे मैं इजी मार देता हूँ, फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे स्मोक कर देते हैं क्योंकि खुले में कहीं से पड़ सकती है। और भाई स्मोक के अंदर मैं यहाँ पे लूट रहा था कि तभी भाई मेरे को यहाँ पे स्नाइपर का बॉडी शॉट पड़ता है। तो भाई यहाँ पे मेरे को स्मोक में लगा, तो भाई मैं और ज़्यादा डर गया, मैंने कहा भाई यहाँ से निकल लेते टाइम से, और यहाँ पर मेरी मतलब व्हीकल फूटी हुई थी। और तभी देखो यहाँ पर पास में एक बंदा भी आ जाता है, और ये बंदा भी मेरी गाड़ी पर फायर लेता है। अब भाई मेरी गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी, अगर यहाँ पे बस एक बुलेट भी पड़ जाती तो भाई यहाँ पे मेरा स्वाहा काम हो जाता। तो मैं जल्दी से गाड़ी से उतरता हूँ और भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत डैमेज लेके जल्दी से यहाँ पे हील भी कर लेता हूँ। अब मुझे डर लग रहा था कि भाई वो बंदा आके यहाँ पर आके रश ना कर दे, तो मैं जल्दी से भाई हील किया और मैं अपनी गन भी रिलोड किए बिना बस डायरेक्ट सीधा सीधा भाग के चला जाता हूँ इससे पहले कोई बंदा यहाँ पर मारते अपने को। और तभी देखो यहाँ पर मेरे को खुले में पड़ने लग जाती वापस से। तो भाई जैसे तैसे बच के इधर से तो मैं आ जाता हूँ और इस कंपाउंड में आके भाई हील वगैरह में करता हूँ। अब भाई इधर वाले कंपाउंड में भाई बंदे मतलब इधर उधर घूम रहे थे, और बाद में भाई जोन जो था आगे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा यार अपन वापस से आगे की जोन में चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने पास गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो भाई ये मेरे जली हुई कार लेके मतलब अपनी गाड़ी लेके चला जाता हूँ। अब भाई अगर यहाँ पे कोई भी एक बंदा भी स्प्रे दे देता तो भाई यहाँ पे मेरा गेम ख़त्म हो जाता, लेकिन लकीली यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था क्योंकि सब पहले ही अर्ली रोटेशन दे चुके थे। तो भाई मैं सामने की तरफ जाता हूँ, मैं यहाँ पे मतलब आसपास सब तरफ देख लेता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा मुझे नहीं दिख रहा था। तभी देखो यहाँ पे गाड़ी लेके एक बंदा आता है और सीधे एक घर में घुसा देता है सामने वाले में। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया था कि सामने बस यही बंदा है, क्योंकि अगर दूसरा बंदा होता तो वो इस पर फाइट ले सकता था। तो यहाँ पे मैं जल्दी से भाई स्मोक करता हूँ क्योंकि मुझे भी वहाँ पे जोन में जाना था, अगर मैं यहीं से ज़्यादा वेट करता तो भाई मैं जोन की वजह से ही मर जाता। और यहाँ पे मेरे पास M249 थी, वेस्ट पूरा डैमेज था, लेकिन भाई रिस्क तो मुझे लेना ही था। तो मैं डायरेक्ट जाकर देखो रश कर देता हूँ इस बंदे पे।
तो भाई इस बंदे को तो मैं इजीली मार देता हूँ बिना डैमेज लिए, और भाई यहाँ पे इसकी लूट भी मैं लूट लेता हूँ। मतलब पीछे वाले बंदे ने उसको थोड़ा बहुत डैमेज देने का ट्राई किया, तो उस वजह से ये बंदा अंदर घुसा और इसे इजीली मैंने मार दिया। और भाई यहाँ पे लूट लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे भाई जो नेट जोन है वापस से आगे की तरफ बन जाता है अपने ऊपर, तो भाई जोन बनने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो भाई मैंने सोचा अपने को जोन में जाना है और अपने पास बस दो ही स्मोक है, तो जल्दी से स्मोक डाल देते हैं और आगे वाले की गाड़ी पे अपन मतलब गाली के लिए अपन उस पर रश करेंगे। तो मैं सीधा सीधा जोन में घुस जाता हूँ और देखो अब क्या करता हूँ यहाँ पे मैं। अब भाई मैंने सोचा इस बंदे को थोड़ा सा डैमेज देता हूँ मैं नेट से, तो मैं यहाँ पे नेट डालता हूँ, तभी देखो साइड से पड़ने लगती है और तभी भाई ये बंदा भागने की ट्राई करता था, इसको मैं मार देता हूँ। और भाई मैं जा ही रहा था कि तभी मुझे यहाँ पे एकदम से फायर आता है, तो भाई अगर ये वाला रिएक्शन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से यहीं पे लाइक ठोक देना, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यार ये वाला रिएक्शन तो गजब ही था यार, इस बात पे अगर वीडियो को लाइक बनता है यार। तो यहाँ पे सब जल्दी से रोटेशन देता हूँ, कुछ भी लूट वगैरह नहीं करता क्योंकि भाई जोन में निकलना था यहाँ पे, तो बस दो ही बंदे बचे हुए थे। तो मैं जैसे ही जाता हूँ देखो यहाँ पे ये बंदा मुझे फायर लेता है, तो इस बंदे की लोकेशन तो मुझे पता लग जाती है, लेकिन एक और बंदा मुझे पता नहीं था कि वो कहाँ पर है। तो मैं अंदर आता हूँ, यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं था, तो ये पोजीशन मेरी हो जाती है। और भाई सामने की तरफ भाई जो वो बंदा अभी जिसने फायर लिया वो था यहाँ पे, तो भाई मैं यहाँ पे इसकी गाड़ी को थोड़ा सा डैमेज कर देता हूँ ताकि भाई ये गाड़ी से ना आ पाए जोन में, क्योंकि इसको जोन में तो आना ही था। तो यहाँ पे वेट ही कर रहा था कि तरफ, तभी भाई यहाँ पे पास में स्मोक होने लगता है, तो मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे कोई बंदा है। तो यहाँ पे मेरे पास दो नेट थे, तो भाई दोनों नेट में यहाँ पे डाल देता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पे बंदा नहीं मरता और गलत ही नेट डालता हूँ मैं, थोड़ा सा आगे डाल देता हूँ। और भाई यहाँ पे भाई मैंने बहुत बड़ी गलती की, अगर मैं एक नेट भी यहाँ पे बचा लेता तो ये बाद में बहुत ज़्यादा काम में आता। देखो एक नेट की कीमत तुमको बाद में पता चलेगी यहाँ पे, कि अगर मैं एक नेट बचा लेता तो गेम में मतलब अच्छी खासी पोजीशन मुझे मिल जाती। तो भाई मैंने इस बंदे को यहाँ पे डैमेज देने का ट्राई किया, लेकिन भाई बंदा यहाँ पे बच जाता है। और देखो फिर बाद में वापस से जोन में आता है, इसको वापस डैमेज देने का ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर से बच जाता है। और ऐसे करके भाई ये यहाँ पर जोन में आ जाता है। और देखो भाई लकीली इसका कितना खतरनाक वाला लग, मतलब देखो इसका खतरनाक वाला लग था कि भाई जो जोन बना बिल्कुल इसके ऊपर थोड़ा सा लेके बना, और भाई अगर यहाँ पे मेरे पास वो एक नेट होता तो भाई इजी इस बंदे को यहाँ पे मार सकता था। तो भाई देखो वो एक नेट की कीमत कितनी भारी पड़ी मेरे को। अब भाई यहाँ पे भाई हिल बैटल करना पड़ जाता है, क्योंकि बंदा भी अंदर से हिल बैटल कर रहा था, तो मैं भी भाई यहाँ पे हिल बैटल करता हूँ। लेकिन भाई मेरे पास बस यहाँ पे दो ही फर्स्ट एड था, तो मैंने सोचा यार देखे शायद से काम आ जाए, लेकिन भाई यहाँ पे बंदों के पास सबके पास अच्छी खासी हेल्थ किट थी। और अब देखो मेरी यहाँ पे हेल्थ भी ख़त्म हो जाती है, तो मैंने सोचा यार अब बंदे के ऊपर मैं जाके रश कर देता हूँ, तो अब देखो क्या सीन होता है। तो भाई यही बंदा मेरे सबसे पास था, तो मैंने इसे मारने का ट्राई किया कि एक किलर मिल जाएगा, लेकिन भाई ये बंदा अपने को यहाँ पे मार देता है, लेकिन अपने यहाँ पे 32 प्लस हो जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अंडे वाले बर्गरों में सरकारी दफ्तरों में आ रहा मजा मुझे, मजा आया।